स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को ये चैप्टर 13 जो है लव खुशियों प्राकरणों लव कुश के प्राकरण के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कि कुछ रह गया था, तो चलिए आज मैं उसे कंप्लीट कर देती हूँ। लव कुश क्या करते हैं, उस घोड़े को बांध देते हैं, जब शत्रुघ्न आते हैं, भरत आते हैं, सैनिक आते हैं, किसी के आने के बाद भी वो घोड़ा को नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, ततः राम प्रवीषति, फिर उसके बाद क्या होता है, राम जी वहाँ पे खुद से आते हैं, राम अयोध्या नृपः रामो अहम। फिर राम जी जब वहाँ पे आते हैं लवकुश के पास, तो लवकुश से कहते हैं मैं राम हूँ, मैं अयोध्या वासी राम हूँ। ऋषि पुत्रो नमामि ननु इवां वीरोवस्था परंतु असबंधो न युवियो कार्यो उच्चतम एनम। वो राम जी आते हैं और उस बच्चे राम जी आते हैं लवकुश के पास और लवकुश को अपना परिचय देते हैं कि मैं अयोध्या का राम हूँ। फिर वो जो बालक, वो दोनों बालक, वो लवकुश जो है वो राम जी को प्रणाम करते हैं और राम जी को प्रणाम करते हैं राम जी बोलते हैं जो कि तुम दोनों जो हो सो वीर हो, लेकिन इस घोड़े को जो तुम लोग पकड़ रखे हो ये कार्य अच्छा नहीं है। लव कुशो परंतु आवांग महाराज स्पाद्यो समरे विजित नियता मश्व। वो फिर वो जो लव कुश है वो क्या करते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं पैर छू के। रामो आकरेण ऋषि पुत्रो प्राकर्मेण तू क्षत्रिय वंशजो है। वो तो इसमें यही कह रहे हैं कि राम जी अपना परिचय करते हैं जो क्या तुम लोग भी क्षत्रिय वंशज के हो, ये सब बातचीत करते ही रहते हैं। तो फिर उसी टाइम क्या होता है, सीता माता आती है वाल्मीकि जी के साथ, क्योंकि वाल्मीकि की कुटिया में ही तो वो लोग रुके हुए थे लव कुश के साथ सीता माँ। तो फिर वो आती है, जब वो आती है राम जी को देखती है ऋषि वाल्मीकि जी, फिर राम जी के पास में दोनों को परिचय करवाते हैं। लास्ट में राम जी बोलते हैं ये जो दोनों पुत्र वीर पुत्र है क्या वो हमारे ही पुत्र हैं। लास्ट में है, देखो लास्ट में राम अहो ए तो सूरा वीरो बालो ममय पुसुतो सुतो मिस होता है पुत्र, ये जो दोनों वीर बालक हैं वो क्या हमारे ही पुत्र हैं, धन्यो हम, मैं धन्य हो गया, ऐसे सूरवीर पुत्र पाके हम धन्य हो गए। इस कहानी का यही है जो कि वो लव और कुश भी उतने ही वीर थे जितना उनके पिता श्री राम जी, और वो तब तक उस घोड़े को नहीं छोड़े जब तक कि वहाँ पे स्वयं लव कुश के पिता राम जी वहाँ आ न गए। तो आप इसका मैं आप लोगों को चैप्टर कराने जा रही हूँ, चैप्टर में है क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अस्वस्थ कंठे किम अवलंबते, घोड़े के कंठ में क्या था, तो घोड़े के कंठ में क्या था, पत्र था। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पहला है रस उत्तर, मुझे तो क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है बेटा अस्वस्थ कंठे किम अवलंबते। क्वेश्चन है
ये मैम तो शायद पढ़ाई हुई भी ना बहुत बार फिफ्थ में पढ़ाई था छोटे बच्चे ओके क्वेश्चन है बेटा थोड़ा ना क्वेश्चन भी समझा कीजिए तम अश्व बंधवा को नयत कह रहा है उस घोड़े को बांध के को नयत किसने लाया घोड़े को बांध के किसने लाया टेल टेल बोल सकते हो किसने लाया घोड़े को बांध के किसने लाया था लव कुश चलो लिखो सारा कुछ तो वही रहेगा सिर्फ को के जगह लिखो लिखो तम अश्व लव कुसौ लव कुसौ नयत ओके क्वेश्चन नंबर गो गो में है बेटा अश्व दृष्टवा अश्व दृष्टवा का प्रसन्न हो का प्रसन्न भविष्यति अश्व को घोड़ा को देख के घोड़ा को देख करके कौन प्रसन्न होती है जब सीता माता वहां आती है तो घोड़ा को देख के पहचान जाती है ये घोड़ा अश्वमेध वाला घोड़ा है और ये श्री राम जी का घोड़ा है और उसे देख के वो प्रसन्न हो जाती है तो लिखो अश्व अश्वम दृष्ट्वा का के जगह लिखो सीता माता या माता सीता लिखो लिखो माता कुछ भी लिख सकते हो माता सीता प्रसन्न भविष्यति प्रसन्न भविष्यति ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ घ में चलिए बेटा घ में है लव कुशव कुत्र अवसता लव कुश जो थे वो कहाँ पे रहते थे वाल्मीकि आश्रम में गुड तो तुम लोग संस्कृत के भी विद्वान हो गए मेरे लव कुशव कुत्र इस चैप्टर को तो लर्न करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए है ना रामायण को छाप देना इसमें ठीक है जो लव कुश के पिता कौन थे लेकिन लिखना राम ही रावण मत लिख देना है ना क्योंकि रामायण में रावण भी थे लिखो लव इतना लिखो लव कुश आप लोग एक चैप्टर अपने मन से कभी भर के नहीं दिखाए सेवंथ वाले काफी टाइम ऐसा किया है पुत्र के जगह लिखो वाल्मीकि वाल्मीकि आश्रमे अवसताम ओके चलिए इतना कीजिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी ओके आज कम से कम फिलअप्स और ये करवा दूं क्वेश्चन भी बहुत रहता है इसमें चैप्टर से बड़ा ज्यादा तो क्वेश्चन डन हो गया क्वेश्चन नंबर लास्ट में है बताओ भाई इसका आंसर राम
चलिए लिखिए करना है।